हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसको चार टॉपिक में डिवाइड किया गया है। ये नीट का टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज डिस्कशन है, जिसमें 2024 के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है अभी करंट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक वन वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन जो अभी तक नीट में पूछे गए हैं ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस से रिलेटेड PYQs, उस सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। इस डिस्कशन से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप प्रॉपर वीडियो को वॉच करोगे, और जहां तक हो सकता है कि आपके जो भी इस चैप्टर में डाउट हो रहे होंगे अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बट यू हैव टू वॉच इट फोकस्ड वे। इसमें जो भी क्वेश्चन है पहले आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, अगर नहीं बन रहा होगा तो आप उसको देखेंगे या आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद। इसमें क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है वो 21 तक का किया है, और 22 और 23 के वीडियो जो है हम बाद में उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि 22 और 23 जो है वो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अगर आप पहले के प्रीवियस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेते हैं या आप सीख लेते हैं तो अपने लेवल को जज करने के लिए आप 22 और 23 का खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, और उसके बाद जो है आप उसमें कुछ टाइम आपको मिल जाएगा, फिर आप जो है बाद में उस वीडियो को इस साइड पे फिर से देख सकते हैं। 23 24 जो है 23 और 22 का जो है हमने इसको लास्ट में रखा है कि लास्ट में इसको अपलोड किया जाएगा। दैट विल बी क्विक रिविजन फॉर यू ऑल्सो, एंड दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड नीट में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, जो मार्केट में क्वेश्चन अवेलेबिलिटी है उन सारे क्वेश्चन का जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक वन में डिस्कस करेंगे। अभी लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको 2021 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में आपको चार जो कंसेप्ट है वो आना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी को कैसे रिलेट करेंगे इन फॉर्म के रूप में जो कॉलम टू में दिया गया है, और रिलैक्सेशन टाइम और करंट डेंसिटी। तो एक बार जो बेसिक कंसेप्ट है कि इसको आप देख लो कि ये कंडक्टर है मान लेते हैं, और इस कंडक्टर का जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है ए है, लेंथ एल है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स की कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इस पे इस क्रॉस सेक्शन में होंगे, इस वॉल्यूम में होंगे, और जो इसका वॉल्यूम है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसमें जो करंट पास कर रहा होगा, जो आई करंट इसमें जा रहा होगा, तो वो करंट आई को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट यू मस्ट बी नोइंग इट इज एन ई ए वी डी। और यहां से आप देख पा रहे हैं कि एन ई वी डी वाला एक टर्म है आपको यहाँ पे, तो एन ई वी डी यानी ए नहीं है, एरिया को अगर हम करंट में डिवाइड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी जे, और करंट डेंसिटी यहाँ पे है, तो करंट डेंसिटी को हम लोग इस टू से मैच कराएंगे कि जो करंट डेंसिटी है उसका डी का टू हो जाएगा, यानी कि डी का टू इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब आपको देखना है कि ए और सी में और ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन रिलैक्सेशन टाइम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो दूसरा ऑप्शन हम लोग एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉर्म है करंट डेंसिटी का, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी को रिलेट किया गया, तो देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई। सिग्मा क्या है, सिग्मा कंडक्टिविटी है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जे जो होगा, तो दैट मीन्स यहाँ से आपको जो रेशियो ई बाय जे का आएगा, ई बाय जे रेशियो जो कि ऑप्शन फोर में दिया गया है, दिस इज वन बाय व्हाट वी कैन से सिग्मा, और वन बाय सिग्मा को हम लोग रो बोलते हैं, दिस इज रेजिस्टिविटी, और सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, तो दैट मीन्स की रेजिस्टिविटी यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी बी का जो है फोर हो जाएगा। तो आप देखो बी का जो है फोर यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा क्लियर है कि आंसर होगा, लेकिन हम लोग अभी क्योंकि सीख रहे हैं तो और भी ऑप्शंस जो है उसको एक बार देखना जरूरी है। तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, इसमें से कौन सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वेलोसिटी वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ ए टी फॉर्मेट, तो एक्सेलरेशन, एंड द टी के लिए हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को यूज करेंगे। ये एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे,
तो एक्सलरेशन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का उस टाइम वेलोसिटी है, इस समय इलेक्ट्रॉन जो है देखा है इलेक्ट्रिक और निकाला से फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स है, तो उसके बराबर उसको लिखा जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन से इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ही, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड डिवाइडेड बाय द मास, दैट विल गिव यू द एक्सलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द टी टाइम। यहाँ पे तो ई बाय एम इंटू टॉ जो है ये आपका ये वाला रेशियो है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तीसरा ये फॉर्म हम लोग लिख देंगे। और बच जो रहा है रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टिविटी का रिलेशन होता है, तो व्हाट रेजिस्टिविटी रिलेशन यू कैन राइट फॉर द रिलैक्सेशन टाइम एम एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉ, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से हमें रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा एम डिवाइडेड बाय एम ई स्क्वायर, ये जाएगा और ए का जो है 3, बी का जो है 4 और सी का 1 और डी का 2। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारे पास फाइनली आ गया। हमने सारा ऑप्शंस को इसलिए डिस्कस इस क्वेश्चन में कर रहे हैं कि आप जस्ट आंसर को मत देखो, आप कंसेप्ट देखो कि आपको ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है फिर से पूछेगा, बट यू मस्ट बी हैविंग ऑल आइडिया रिगार्डिंग व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ड्यू वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, रो को कैसे लिखेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ द फोर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसमें इक्वल लेंथ लिया गया है और कितने वायर लिए गए हैं, फोर वायर, तो इक्वल लेंथ है, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिया गया है एंड द सेम मेटेरियल। तो कोई भी वायर अगर आप कंसिडर कर रहे हैं जिसका कि लेंथ जो है एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और सेम मेटेरियल का मतलब है रेजिस्टिविटी, और ऐसे फोर वायर को हम लोग ज्वाइन करा रहे हैं, किस तरह से ज्वाइन करा रहे हैं, वो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में करना है आपको। तो दैट मींस कि अगर हम फोर वायर को ज्वाइन कराएंगे एक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जब भी आप लिखोगे फोर वायर का तो इट इज रो ए, सारे के सारे जो फोर वायर कनेक्ट होंगे पैरेलली सबका रेजिस्टेंस है, सारे वायर का एक ही डायमेंशन है लेंथ एरिया एंड द मटेरियल में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया सेम होने से रेजिस्टेंस सेम होगा। तो दैट मींस एक का रेजिस्टेंस आ रहा है और ऐसे चार रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, तो इस तरह का पिक्चर आपके पास होगा, ये जो है आपको चार रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे ये R/4 हो जाएगा और इसको किसके बराबर रखेंगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें दिया गया है वो कितना है 2.5, तो यहाँ से जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं उसका वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज 2.5। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट जो है ये हमें 1 ओम आएगा, दिस इज द 1 ओम। फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये पैरेलल रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं और एक मेन करंट आ रहा है यहाँ ऐसे, और दो पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, एक I2 में जा रहा है और एक I3 में जा रहा है। तो जब भी पैरेलल रेजिस्टर्स होगा कनेक्ट, उसमें हम लोग कैसे रेजिस्टेंस को लिखते हैं, अगर इस डायग्राम में दिया गया है इसमें I3 कितना होगा, तो इस करंट को आप I2 और I3 को पैरेलल रेजिस्टर्स में जा रहा है करंट, तो अगर हमें I3 को लिखना है तो I3 के अपोजिट में जो रेजिस्टेंस होगा दिस इज R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स R2 + R3 एंड मल्टीप्लाइड बाय जो करंट यहाँ पे आ रहा है इस जंक्शन पे आ रहा है, जो जिसको हम बोलेंगे मेन करंट। तो यहाँ पे ये मेन करंट I है, सॉरी I1 है, तो हमें पूछा गया था यहाँ पे कि I3 / I1 क्या होगा, तो I3 / I1 जो है R2 / R2 + R3 होगा, दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें I3 / I1 पूछा गया। ये हमने किस तरह से ये लिख दिया, तो ये चीज आप जो है देख रहे हो कि जो I2 R2 है वो I3 और R3 के बराबर होगा, पोटेंशियल वाइज दोनों एक जगह इस जगह कनेक्ट किया गया है, तो ये पैरेलल ही कनेक्शन है, तो यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल बराबर करेंगे। तो और उसके अलावा यहाँ पे एक आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे और फिर यहाँ से एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे टोटल मेन करंट निकालेंगे। मेन करंट यहाँ पे क्या है, I1 इज गेटिंग स्प्लिटेड इंटू I2 एंड I3, और
फाइनली जो हमें रिजल्ट आएगा कि आई थ्री ब्रांच करंट अगर लिखना होगा, अगर इसमें आपको पूछा जाता कि आई टू बताओ कैसा होगा, तो आई टू को अगर हमें लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके अपोजिट साइड में कौन सा रेजिस्टेंस है आर थ्री, तो इट इज आर थ्री डिवाइडेड बाय इन दोनों का रेजिस्टेंस का सम, दैट इज आर टू प्लस आर थ्री, और मेन करंट यहाँ पे जो आ रहा है, मेन करंट क्या है यहाँ पे आई वन है, तो दैट मीन्स आई वन यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस वे यू कैन राइट ब्रांच करेंट जो कि आपको पैरेलल में होगा, और इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा। ऐसे हम लोग जानते हैं कि इसका डेरिवेशन हमें आता, लेकिन अगर हम डेरिवेशन करने लगेंगे एग्जाम में तो इट विल कंज्यूम आवर मोर टाइम ओवर देयर। तो कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्ट टिप पे रखोगे तो यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन बिल्ड योर बेटर मार्क्स ओवर देयर इन द एग्जामिनेशन, एंड दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू वर्क फॉर एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो चौथा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि टू सॉलिड कंडक्टर आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, हैव सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस। तो जब भी कोई सॉलिड मटेरियल की हम बात करेंगे, यहाँ पे कंडक्टर की बात हो रही है, और इसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए वन है, और इसका रेजिस्टिविटी जो है रो है, और लेंथ एल है, इसका रेजिस्टेंस जो है आर वन मान लेते हैं, और दूसरा कंडक्टर जो है आपको इसका भी मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम होने का मतलब रेजिस्टिविटी सेम होना, लेंथ भी सेम दे दिया बट एरिया के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, ए टू मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर टू मान लेते हैं। अब इसमें बोला वन ऑफ देम हैज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन एंड द अदर वन हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, हमने इसको स्क्वायर ये जो डायग्राम है हमने वायर की तरह ले लिया, यानी कि दूसरा जो है वो आपको स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का जो है आपको लेंथ जो होगा दैट इज द सेम लेंथ व्हाट वी आर हैविंग हियर इट इज, सो इसका लेंथ सेम है और इसका मटेरियल भी सेम है, यानी इस वायर का जो रेजिस्टिविटी है वो भी सेम है। अब इस वायर का जो आपको रेजिस्टेंस होगा, लेट सपोज इट इज आर टू, अब इसमें जो बोला है कि सॉलिड कंडक्टर सेम मटेरियल सेम लेंथ सेम रेजिस्टेंस, तो यानी इसका आर वन और आर टू क्या होगा, सेम होगा। तो आर वन को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रो एल बाय ए वन, और आर टू को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इट इज रो एल बाय इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए टू। अब क्योंकि आर वन और आर टू सेम दे दिया है आपको, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, और दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करो तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो एल बाय ए वन इज इक्वल टू रो एल बाय ए टू, और यहाँ से रो एल गेट कैंसिल आउट, व्हाट इज ए वन बाय ए टू, तो ए वन बाय ए टू जो होगा दिस इज ए। तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, दिस विल बी द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर व्हाट वी आर हैविंग इज, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है फिफ्थ में ये पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें चाहिए ए और बी के बीच का, जिसके बीच में इक्विवेलेंट चाहिए उसके बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर दो। बैटरी कनेक्ट करने से आपको एक वे आउट ये मिलेगा कि करंट किस में क्या जा रहा है, तो जो 4 एम्पियर में करंट बैटरी प्रोवाइड करेगा, लेट्स सपोज आई करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये दो पार्ट में यहाँ डिवाइड हो रहा है, एक आई वन में और दूसरा आई टू में, यानी कि 4 ओम में और 8 ओम में I1 करंट जा रहा है, यानी 4 और 8 क्या हो गया सीरीज, तो आपका सर्किट जो है वो इस तरीके से बिल्ड हो जाएगा और फिर आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम कैसे कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इज 4 ओम, दिस इज 6 ओम और यहाँ पे 8 ओम है, और 4 और 8 को सीरीज करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर हैविंग द 12 ओम। अब आप 6 और 12 को देखो गौर से, तो ये दोनों जो है पैरेलली कनेक्टेड है, तो 6 और 12 का पैरेलल कैसे तोड़े, तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 इट इज 18, तो यहां से जो है आपको ये जब रिप्लेस होगा 6 और 12 तो एक 4 ओम का जो है रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 8 ओम तीनों सीरीज में है, तो यानी कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे 4 ओम 8 ओम और ये 12 और 6 को रिप्लेस करने वाला 4 ओम, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 8 16 ओम, That is your result. 16 ohm you are having your B option. So, इसको हम लोग choose करेंगे. Next question you are having a charged particle having drift speed velocity ये दिया हुआ है आपको, और drift speed जो है यानी VD हमारे पास दिया गया है 7.5 into 10 to the power minus 4 meter per second, और इसमें electric field जो है यहाँ पे ये भी दे दिया है 3 into 10 to the power of minus 10 volt per meter.
तो मोबिलिटी पूछ रहा है, तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोबिलिटी आप जानते हैं क्या होता है, इट इज ड्रिप वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो, दैट इज योर मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिप वेलोसिटी हमारे पास कितना है, 7.5, जस्ट कैलकुलेशन ओनली, -4 डिवाइडेड बाय सारे SI यूनिट। तो यूनिट के बारे में आपको सोचना है यहाँ पे, और 10 -10 7.5 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो इट इज 2.5। तो इससे फाइनल रिजल्ट जो हमें आएगा 2.5 × 10 के पावर कितना आ रहा है, इट इज -6। और जो इसका यूनिट होगा वो SI यूनिट में हमारा है, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो व्हाट इज रिजल्ट वी आर हैविंग, 2.5 × सॉरी इट विल बी +6, इट विल बी, क्योंकि नीचे माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 7, द कलर कोडिंग रेजिस्टेंस गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कलर कोडिंग के लिए कुछ ये चार्ट माइंड में रखना होगा, व्हाट कोडिंग वी आर हैविंग इज। यहाँ पे कलर कोडिंग में क्या होता है कि आपको स्ट्रीप होता है, ये एक रेजिस्टेंस है, कलर कोडिंग के बेसिस पे इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ एक कलर रहता है, फिर दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर और फिर चौथा कलर। चौथा कलर जो है मेनली वो या तो गोल्ड होगा और या नहीं तो सिल्वर होगा। अगर गोल्ड होगा तो 5% प्लस माइनस टॉलरेंस होगा, और अगर सिल्वर होगा तो 10% प्लस माइनस टॉलरेंस होगा। अब इसमें जो फर्स्ट डिजिट है ये अगर येलो हुआ तो उसका मतलब है कि ये 4 होगा, और दूसरा डिजिट अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दूसरा डिजिट जो है हमारे पास पहला येलो है, तो येलो के लिए जो है यहाँ पे डिजिट जो होगा 4 हो जाएगा। दूसरा डिजिट जो है आपका क्या है, यहाँ पे वैलेट है, तो वैलेट के लिए जो है ये नंबर जो है 7 हो जाएगा, यानी कि 4 और 7 हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद जो है 10 का पावर में देखेंगे तो यहाँ पे 10 का पावर में यहाँ पे 1 0 आ रहा है, आपको नंबर ऑफ जीरो जो है 1 है, यानी कि इसका मतलब है कि 10 के पावर में अगर हम लिखेंगे ब्राउन को, तो ब्राउन वाले केस में जो है आपको इसका पावर 1 होगा। तो इतना वैल्यू जो है आपका रेजिस्टेंस का होगा, और इसमें प्लस माइनस 5% जो है हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चौथा जो स्ट्रीप दिया गया है वो गोल्ड का, तो इसके बेसिस पे हम लोग ये करेंगे। अगर यही सिल्वर का रहता तो फिर प्लस माइनस 10 करते, तो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे ये हो जाएगा 470 ओम और 5% प्लस माइनस टॉलरेंस। तो ये आपका जो है ऑप्शन सी है, इसका रिजल्ट सी हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर ऑफ कॉपर। कॉपर क्योंकि कॉपर जो है ये आपको मेटल है, तो मेटल के साथ जो है हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ जो है इस तरह का ग्राफ होगा, जो आपको दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घट रहा है, रेजिस्टिविटी घट रहा है, तो ये होगा नहीं, इसमें भी घट रहा है, ये नहीं होगा। अब इसमें और इसमें इंक्रीज कर रहा है, ये लीनियर ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ जो है आपको इट इज नॉट लीनियर। तो जो रिलेशन हमारे पास है वो लीनियर नहीं है, तो जो ग्राफ एक्चुअल है वो इस तरीके का ग्राफ होगा, जो हमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ होगा कॉपर के लिए। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन जो है बी यहाँ पे है, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट वी आर हैव। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इंडक्टर का यूज करते हैं, नहीं करते हैं। इंडक्टर जो है ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। स्विच के लिए जो है आप स्विच को यूज करते हैं हम लोग ऑन ऑफ के लिए, ये प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं होगा। मतलब जैसे प्रोटेक्शन का मतलब ये होगा कि करंट आ रहा है और डिवाइस जो है एकाएक से आपका वो करंट के एकाएक से बदल बढ़ने के कारण से या घटने के कारण से वो डिवाइस जो है आपका वो खराब हो गया। वो खराब होने का मतलब है कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई डिवाइस लगाना होगा उसमें, तो स्विच जो है ये ऑन ऑफ के लिए यूज होता है, इससे प्रोटेक्ट आप नहीं कर सकते हैं करंट के बढ़ने को और घटने को। स्विच ऑन है तो करंट अगर बढ़ रहा है तो स्विच उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो दिस इज नॉट देयर। कंडक्टर ये भी नहीं होगा। फ्यूज के बारे में आप जानते हैं, फ्यूज जो है सर्किट ब्रेकर का काम करता है, तो फ्यूज को हम लोग प्रोटेक्शन के लिए जो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह यूज करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि फ्यूज का जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है,
यानी कि मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण से फ्यूज वायर जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी करंट उसमें इंक्रीज करेगा तो। और इसका लो रेजिस्टिविटी होता है, तो रेजिस्टिविटी लो होने के कारण से जो है इसके कारण से भी जो है ये आपको बहुत थोड़ा सा करंट बढ़ेगा तो जो वायर है वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने से क्या होगा कि जो भी हैवी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं जिसमें करंट का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, जैसे हम एसी को यूज करते हैं तो उसमें, या नहीं तो आप फ्रीज यूज कर रहे हैं या कोई भी उस तरह का एप्लीकेशन आप कर रहे हो जिसमें हाई करंट की जरूरत होती है, तो उस केस में अगर करंट ज्यादा होगा, जैसे कभी आयरन यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि कोई भी अगर फॉल्ट होता है करंट एकाएक से, अगर करंट हीटर में आता है तो उसके कारण से क्या होता है आपका जो फ्यूज है वो फ्यूज क्या होता है फ्यूज जो है उसको ब्रेक कर देता है और इसके कारण से जो है आपको वहां पे ये हमें सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, तो सर्किट को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में क्या करा है, तो फ्यूज यहाँ पे आपका हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वी आर हैविंग। एक सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि वोल्ट मीटर कनेक्ट V1 है और यहाँ पे एमीटर कनेक्ट है, इसमें I1 करंट जा रहा है, और दूसरा सर्किट वोल्ट मीटर V2 है, एमीटर A2 है, करंट I2 है, और यहाँ एक 10 ओम को जोड़ दिया गया है। ये बैटरी दोनों में सेम रखा गया है। तो वोल्ट मीटर के बारे में हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर जो होता है, अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल होगा तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है इसमें जो रेजिस्टेंस यूज होगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस के ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, उस वोल्ट मीटर में करंट कम से कम आएगा या नेग्लिजिबल आएगा, जिसके कारण आइडियल वोल्ट मीटर जिन दो पॉइंट के बीच में आप जोड़ोगे उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करके दे देगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर को यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस उसमें जो है आप इनफाइनाइट रखोगे। अब जो पहला इसमें ऑप्शंस के बेसिस पे हमें सोचना होगा कि V1 V2 को रिलेट करना है और I1 I2 को रिलेट करना है। तो पहले वाले सर्किट से हम लोग देखते हैं कि इस वाले सर्किट में जो है आपके पास I1 करंट कितना होगा। तो इस पूरे सर्किट का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे 10 ओम है, तो 10 ओम डिवाइडेड बाय जो बैटरी वोल्ट यहाँ पे सप्लाई कर रहा है 10, तो दिस मीन्स कि जो I1 इस एमीटर के थ्रू जा रहा होगा रीडिंग होगा दैट विल बी 1 एम्पियर। अब इसका वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, तो इसको आइडियल वोल्ट मीटर कंसीडर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वी आर हैविंग दिस करंट पासिंग थ्रू दिस 10 ओम रेजिस्टेंस, तो जो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज द ओनली रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर, एंड ये क्या है I1 इंटू 10 ओम। तो यहाँ पे I1 इंटू 10 ओम, तो I1 का वैल्यू तो 1 ही है, तो इट विल बी 10 वोल्ट। तो ये आपका रीडिंग हो गया V1 का और I1 का। अब इस वाले में क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर है इसमें इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है जो ये 10 ओम जोड़ने से इस वाले केस में आपका करंट जो है नेग्लिजिबल होगा। तो दैट मीन्स कि जो करंट इधर आ रहा है वो करंट इधर ही जा रहा है, तो इस वाले केस में हमें अगर I2 निकालना होगा क्योंकि ये वोल्ट मीटर को हमने आइडियल कंसिडर किया है, तो इस केस में रेजिस्टेंस इनफिनाइट है तो इसमें करंट नेग्लिजिबल पास हो रहा होगा, तो हमें इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए जो वोल्ट मीटर रीड करेगा। इस पूरे सर्किट का यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये 10 वोल्ट है, 10 डिवाइडेड बाय जो इसमें रेजिस्टेंस आपको सर्किट का है वो 10, सो दिस इज 1 एम्पियर। और अगर इसमें हमें V2 निकालना हो जो कि ये वोल्ट मीटर रीडिंग कर रहा होगा, तो इन दो पॉइंट के बीच में इसको कनेक्ट किया गया और इसमें कोई करंट नहीं, तो ये इससे आ जाएगा आपको 10 इंटू I2, I2 का वैल्यू क्योंकि 1 एम्पियर है तो ये जो है ये हमें मिल जाएगा 10 वोल्ट। तो ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 1 एम्पियर है, ये भी 1 एम्पियर, यानी कि इसमें V1 V2 बराबर है और I1 I2 बराबर है, तो ऑप्शन बी वी आर हैविंग हियर इट इज। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि कार्बन रेजिस्टेंस जो है ये आपको इस तरह से दिया गया है, इज टू बी मार्क्ड विद द रिंग्स ऑफ द डिफरेंट कलर ऑफ द आइडेंटिफाई द कलर। पहला है 4, 4 हम लोग देखे थे
फोर जो है वो सॉरी फोर जो है वो येलो के लिए नंबर था। यहाँ पे एक बार आप फिर से देखिए, जब हम येलो की बात करते हैं तो फर्स्ट डिजिट जो है ये फोर है, और जो सेकंड डिजिट यहाँ पे बोल रहा है आपको वो सेवन है। तो येलो और जो सेकंड डिजिट है वो वैलेट सेवन के लिए जो है, सेकंड डिजिट में वैलेट के लिए आप देखो यहाँ पे वैलेट के लिए सेकंड डिजिट जो है वो सेवन है। तो दैट मीन्स इट इज सेवन, तो दैट फोर एंड सेवन वी आर हैविंग। तो ये हो जाएगा आपको पहला, हो जाएगा पहला हो गया येलो और दूसरा हो गया वैलेट। तो दैट मीन्स कि इसमें ग्रीन था तो ये वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। तीसरा जो है इसमें आपको प्लस माइनस 4 × 10⁻¹, और फिर ऑरेंज है हमारे पास। ऑरेंज के लिए बात अगर करें तीसरे में, तो इसमें क्या है ऑरेंज में देख लो, तो ये है ऑरेंज। और ऑरेंज के केस में यहाँ कितना जीरो है, नंबर ऑफ जीरो 3 है। तो दैट मीन्स कि इट विल बी जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखा जाएगा, इट इज 4 7 और × 10³। ये हो गया आपका मेन रेजिस्टेंस 10⁻⁴ फॉर्मेट में। एंड यहाँ पे जो है फिर हमें चाहिए सिल्वर है, तो सिल्वर के केस में जो है आप देखिए यहाँ पे सिल्वर के केस में क्या है, सिल्वर के केस में जो है यहाँ हमारे पास प्लस माइनस 10 है, और प्लस माइनस जो है 5 जो है ये गोल्ड के केस में है। तो व्हाट ऑप्शन हियर इट इज गिवन टू यू इन द ऑप्शन व्हाट वी हैव अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारे पास है यहाँ पे ये 4.7, फिर इसको किलो के फॉर्मेट में लिया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस 10 ओम रखेंगे तो इसको अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो इसको फ्रैक्शन में आप बना सकते हैं। सो दिस विल बी व्हाट वी आर हैविंग इज 47 प्लस माइनस 4.7 × किलो ओम। दिस इज रिजल्ट, ये निकालना था हमें। तो ये मिल रहा है येलो में, वॉलेट में, ऑरेंज में एंड सिल्वर में, क्योंकि येलो और वॉलेट वाला और कोई कॉम्बिनेशन नहीं था तो ये तो होगा ही नहीं, और ये लोग ये दोनों तो है ही नहीं। तो ऑप्शन आपके पास बी है जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल करेगा। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जिसका कि आपको आर ओम है, इफ इट इज मेल्टेड टू स्ट्रेच टू एन टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी व्हाट। तो अगर हम लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं यहाँ पे जिसका एल लेंथ है, अब इसको स्ट्रेच करके जो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, तो जब भी आप स्ट्रेच करोगे रेजिस्टेंस को तो इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। स्ट्रेच करने से क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो घट जाएगा। तो एरिया तो घटेगा लेंथ बढ़ेगा, तो दैट मीन्स वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज हियर। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा होगा और इसका लेंथ आप बढ़ा करके न्यू लेंथ जो है एन टाइम्स एल कर दे रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस अगर हमारे पास यहाँ पे रो एल बाय ए है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा जिस समय ये एन होगा। तो जब भी आप याद रखोगे इस चीज को कि वॉल्यूम अगर हमारा कांस्टेंट है तो दो चेंज आप कर सकते हैं, या तो आप लेंथ को चेंज करेंगे या एरिया को करेंगे, यानी कि आप स्ट्रेच कर सकते हो वायर को या आप वायर को कंप्रेस कर सकते हो। तो लेंथ घट सकता है या लेंथ बढ़ सकता है, एरिया घट सकता है। तो जब क्वेश्चन में ये दिया हो कि यहाँ पे लेंथ को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट फोकसिंग लेंथ पार्ट ओनली, तो रेजिस्टेंस होगा रो एल बाय ए, और लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो लेंथ से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, ये पार्ट वॉल्यूम बन जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, इस फॉर्मेट पे चला जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रो एल बाय ए हो रहा है, अब इसको हम स्ट्रेच कर दे रहे हैं किस लेंथ पे चले गए लेकर के, एन इंटू एल पे, तो दैट मीन्स कि इसमें लिखेंगे R2/R1 जो हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग L2/L1 स्क्वायर, ये होगा, क्योंकि आपका अदर फैक्टर जो है वो कॉन्स्टेंट है, रेजिस्टिविटी इज नॉट गोइंग टू चेंज इफ यू आर इनलार्जिंग द कंडक्टर ओवर देयर। अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप किसको चेंज कर रहे हैं लेंथ को, तो दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर फॉर्मेट। और यहाँ से नया लेंथ जो है एन एल है, इनिशियल लेंथ एल है, ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इज एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर करेंगे तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा दिस इज एन स्क्वायर टाइम्स प्रीवियस द रेजिस्टेंस व्हाट वी आर हैविंग, इट इज फर्स्ट थर्ड ऑप्शन। इसमें ये भी पूछ सकता था आपको कि अगर हम एरिया को चेंज करेंगे, तो जब आप एरिया को चेंज करोगे तो उस केस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस को रो एल बाय ए लिख करके एरिया से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप एरिया को चेंज कर रहे हैं, सॉरी,
ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, तो इस केस में जब हम एरिया को चेंज करेंगे तो 1/a² से होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर होने के कारण से ये π r² 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r^4। इसके फॉर्मेट को भी यूज किया जा सकता है और इससे बेस भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम एरिया को चेंज करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो चलो लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन 2015 ईयर दिस इज। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस वाले फॉर्मेट में ये r^4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा पूछा जा सकता है हमें ये क्वेश्चन भी कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, तो इनवर्स रेशियो टू r^4 लगाएंगे। इन एनी अदर सिचुएशन अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं है तो फिर उस केस में हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रखेंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखेंगे। बस ये दो चीज आपको अगर याद है तो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग एबीसी 3 वोल्टमीटर, हियर वी आर हैविंग एक का रेजिस्टेंस जो है ये आर है, दूसरे का 1.5 आर है और तीसरे का जो है वो 3 आर है। इस तरह से वोल्ट मीटर तीनों लगाए गए हैं। अब व्हेन सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द 2 पॉइंट एक्स और वाई के बीच में अगर हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं जो कि पी है और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं जो कि क्यू है। अब आप देखोगे कि रेजिस्टेंस जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है एक्स और पी के बीच में, इसमें इसको हम रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज आर व्हाट वी आर हैविंग, एंड ये वाला जो रेजिस्टेंस है 1.5 आर है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 3 आर है, और इसको यहाँ पे क्यू पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है और इसको यहाँ पे पी पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है, एंड दिस इज योर वाई पॉइंट एंड दिस इज योर एक्स पॉइंट। अब आप देखिए कि जो रेजिस्टेंस इसका जो बी है वोल्ट मीटर और जो सी है, ये दोनों तो पैरेलल ही कनेक्ट है, तो दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप रहा होगा यानी वी वी जो होगा और वी सी जो होगा ये तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल ही कनेक्ट है, ये सेम होगा। अब इसमें वी वी और वी सी वाले सेम कौन कौन ऑप्शन है, आप देखो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया और ये ऐसे कट गया। अब आपका बी और बी सी का जो ऑप्शन है वो ए है और बी ऑप्शन, तो इसमें देखा कि ऑप्शन कौन सा अवेलेबल होगा। तो इस पूरे सर्किट का आप देखोगे कि यहाँ से अगर बैटरी कनेक्ट आई करंट भेज रहा है तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो जो पोटेंशियल होगा इसका इसका ए का एम का, तो ए का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ए का हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि जो पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है जो वी पी होगा और क्यू के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, दिस इज व्हाट द पोटेंशियल ऑफ बी एंड दिस इज व्हाट द पोटेंशियल ऑफ सी। अब आप देखिए कि इन दोनों को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इस दो रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ आर इंटू 3 आर दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का एडिशन। तो 1.5 अगर हम 3 में ऐड करेंगे तो इट इज 4.5 आर, तो आर से आ जाएगा यहाँ पे और दूसरा 1.5 होगा। इन दो को रिप्लेस करके मिल रहा है ये आपको आर आ जा रहा है, क्योंकि 1.5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5, तो ये आर बच जाएगा। यानी इस सर्किट का जो पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी आर ही है, तो पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर है, ये तो वी वी और वी सी बराबर है, वो कितना होगा, आई टाइम्स आर, क्योंकि जो करंट इसमें आएगा बाद में जब इसको रिप्लेस करके ये रेजिस्टेंस आप बनाओगे उसमें भी इतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यानी कि पी क्यू बराबर जो है वी वी बी सी और ये आई आर है और ये ए के बराबर है आई आर, तो यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 को देखना है। 14 में क्या है, लेट्स हैव अ लुक ऑफ 14 क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया हुआ है आपको कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर हम कोई इस तरह का कंडक्टर एज्यूम कर ले जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, बट एक चीज मेंशन है कि ए और बी अगर है तो इसके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये आपका कांस्टेंट है, इट इज नॉट गेटिंग चेंज, ये कांस्टेंट। तो पहला तो ये मेटेलिक कंडक्टर है,
अगर मेटेलिक कंडक्टर होगा तो उसमें ओम्स लॉ वैलिड होगा, मेटेलिक कंडक्टर ओम्स लॉ से क्या है मेटेलिक कंडक्टर में, अगर आपका पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस, तो अगर हमारा पोटेंशियल ड्रॉप ही कांस्टेंट है, इफ इट इज नॉट गेटिंग चेंज, व्हाट डज इट मीन दैट कि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि अगर करंट को करंट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो इनवर्स, करंट अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, घटेगा तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो घट जाएगा, इनवर्स रिलेशन होगा। लेकिन इससे हम एक चीज और कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का यहाँ पे आपको दिया गया होगा, ये रेजिस्टेंस कंडक्टर को हम तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो जो भी इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है दैट विल बी कॉन्स्टेंट, तो व्हाट डज इट मीन कि हमारा करंट वैल्यू जो होगा उसमें वो भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं बाय जस्ट ओम्स लॉ वी कैन सेलेक्ट कि ये जो है कांस्टेंट होगा। अब आते हैं बॉडी कांस्टेंट क्यों नहीं होगा करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो इट इज आई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बोल दिया यहाँ पे कि इट इज नॉन यूनिफॉर्म, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एरिया आपका हमेशा वैरी कर रहा है, तो जे हमेशा वैरी करेगा, तो जे के वैरी करने से आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैरी करेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है हम लोग देखे थे किस तरह से रिलेट किया था जे को हमने लिखा था आई डिवाइडेड बाय ए और दिस इज नथिंग बट एनी वी डी, तो अगर आपका जे वैरी कर रहा है तो वी डी भी वैरी करेगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जे को इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट करेंगे, तो दिस इज सिग्मा इनटू ई, दैट मींस कि अगर हमारा जे वैरी करेगा तो फील्ड भी वैरी करेगा, तो दैट मींस यहां पे आपका जे वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी कर रहा है, इन सब के वैरी के पीछे का रीजन क्या है, करंट डेंसिटी, क्योंकि करंट डेंसिटी वैरी कर रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैरी करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा। लेकिन क्योंकि ये मेटल है और मेटल के दो पॉइंट के बीच में जो पॉइंट आपको लिया गया है उसके बीच में जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स, इट इज कांस्टेंट, एंड इफ इट इज कांस्टेंट दैट मींस दैट करंट इज नॉट गेटिंग चेंज ओवर देयर, इट विल बी कांस्टेंट, तो दैट मींस कि करंट जो है हमारा यहाँ पे रिजल्ट होगा, ऑप्शन बी इज योर करंट करेक्ट करेक्ट रिजल्ट हियर, सो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है ये सही हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल वायर्स रेस्पेक्टिवली, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी वन, तो एक मेटल वायर हमारे पास जो लिया गया है वो जो है ये है आपका, दिस इज वन मेटल वायर और आइडेंटिकल डायमेंशंस मतलब कि लेंथ सेम रखेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बोल दिया है कि टू मेटल वायर है आइडेंटिकल डायमेंशंस और इसको सीरीज में करते हैं, तो इस मेटल वायर का अगर रेजिस्टिविटी रो वन हुआ और दूसरा का अगर हम जिसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं इसका डायमेंशन सेम रखेंगे यानी लेंथ और एरिया को सेम रखेंगे, लेकिन ये तो मेटल वायर दूसरा है इसका रेजिस्टिविटी रो टू मान लेंगे, अब जो पहले वाले का रेजिस्टेंस वैल्यू हमें निकालना होगा, तो व्हाट वी कैन से हियर इज जो रेजिस्टेंस वैल्यू आर वन हम निकालेंगे तो इट विल बी रो वन एंड एल बाय ए, और इसका अगर रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना होगा तो इट इज रो टू एल बाय ए। अब ये रेजिस्टेंस तो आपको मिल गया, हमने कैसे कनेक्ट किया है सीरीज में, तो यहां से यहाँ का टोटल लेंथ कितना हो गया, 12 हो गया, अब जो इन दो को सीरीज जो है क्यू है, तो Q और P के बीच में अगर हमें निकालना हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हाट वी कैन से इज, क्योंकि ये सीरीज है इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा R1 और दूसरा हो जाएगा R2, दोनों को जोड़ देंगे सीरीज में, जो P के बीच में हमें लिखना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस इज, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है आपको लेंथ, यहाँ एरिया तो सेम है और यहाँ से यहाँ तक में आपके पास जो है जो रो इक्विवेलेंट होगा उसको यूज करेंगे, तो दैट मीन्स कि इट इज रो इक्विवेलेंट, दोनों को हमने जोड़ा है सीरीज में, देन जो लेंथ है 12 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट गेटिंग चेंज, दिस विल बी आर वन के लिए हम लोग यूज करेंगे इट इज रो वन,
से आपको जो है R1 R2 प्लेस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ द गिवन डायमेंशन रो वन लेंथ और एरिया। अब आप देखो कि एल बाय ए जो है सारे में टर्म है, एल बाय ए को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो व्हाट यू कैन से टू टाइम्स ऑफ रो इक्विवेलेंट इट विल बी सिग्मा सॉरी रो वन प्लस रो टू। अब हमें इसमें तो रिलेशन नहीं रखना है, रिलेशन तो हमें सिग्मा के बीच में रखना है, तो हम लोग सिग्मा के टर्म में इसको लिखेंगे। तो सिग्मा कैसे लिखा जाएगा, आप जानते हैं रो जो होता है इट इज 1/σ, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दिस इज 2/σ जो होगा इक्विवेलेंट, दिस विल बी 1/σ1 + 1/σ2। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको सिग्मा इक्विवेलेंट जो है फाइनली ये आ जाएगा, इट इज 2 times of σ1 σ2 / σ1 + σ2। दिस विल फाइनल रिजल्ट यू विल बी गेटिंग आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट, सो दिस इज गिवन टू यू इन इक्वेशन 2 times of σ1 σ2 / σ1 + σ1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी आर हैविंग इज क्वेश्चन नंबर 16। ए सर्किट कंटेन्स एन वोल्ट एमीटर बैटरी जो है यहाँ पे 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जो बैटरी लगाया गया है यहाँ पे वो हमारे पास जो है 30 वोल्ट का बैटरी है, और इस सर्किट में जो है आपको एक एमीटर जोड़ा गया है, जिस एमीटर जो जोड़ा गया सर्किट कंटेन्स एमीटर ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40.8 ओम ऑल कनेक्टेड इन सीरीज इफ द एमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम। तो यहाँ पे जो है एक आपको एमीटर लिया गया है और इसके साथ जो है इस बैटरी को जोड़ा गया है, जो बैटरी का यहाँ पे दिया हुआ है 30 वोल्ट। सो सर्किट कंटेन्स एमीटर, एक एमीटर है, बैटरी 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40.8 ओम। तो 40.8 ओम जो है हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होगा क्योंकि ये सीरीज में दिया है, तो दैट मीन्स कि पहले हम लोग जो रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। दिस इज 40.8 ओम, ये रेजिस्टेंस सीरीज में है और यहाँ पे हमें एमीटर को लगा दिया, और इसमें बोला है आपको कि एमीटर का जो एमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है इट इज 480 ओम, ये एमीटर का रेजिस्टेंस है, और इसके साथ एक संट को जोड़ा गया है। तो जब भी हम संट को जोड़ते हैं एमीटर से तो वो पैरेलल ही जोड़ते हैं, तो वो कितना जोड़ेंगे यहाँ पे ये दे दिया आपको 20। इस सर्किट बैटरी से जोड़ दोगे तो दिस इज एक्चुअली, तब हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो यहां से आप देखो कि जो एमीटर और संट जोड़ा गया, दिस इज द संट रेजिस्टेंस वैल्यू इज कनेक्टेड विद द एमीटर, तो 480 और 20 है, तो इसका जो है जो एमीटर और इस दोनों रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहां से RDS हम लोग बोल रहे हैं इट इज 480 × 20 / 480 + 20, इट इज 500। तो 1 0 1 0 यहाँ से ये जो है ये 0 5 यहाँ कितना हो रहा है ऊपर में है 2 इट विल बी 96/5। तो 5 से अगर हम लोग 96 में डिवाइड करेंगे तो इट इज हाउ मच, इट विल बी इट इज 19.2, ये हमें आ जाएगा 19.2 को 40 पॉइंट इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो फाइनली हमें आर इक्वेलेंट बिटवीन द बैटरी फाइनल जो है ये आ जाएगा 40.8 + ये आ जाएगा 19.2, और ये आपका 60 ओम। यहाँ से जो बैठा होगा तो इसमें करंट रहा है, इसके बेसिस पे हमें निकालना है कि इसमें करंट मेन करंट कितना आएगा। मेन करंट जो वी इक्विवेलेंट है वो बैटरी का ईएमएफ यहाँ पे 30 है और जो 60 आया है फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इट इज 1/2 एम्पियर जो करंट यहाँ पे 1/2 एम्पियर आ रहा है। जिस यहाँ पे जो है आप करंट कितना आ रहा है, जो रीडिंग इसमें आ रहा है हमें, यानी कि जो मेन करंट आ रहा है एमीटर उसी को रीड करेगा, दैट इज व्हाट वी आर हैविंग इज हियर इट इज 0.5 ओम। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट इज योर 0.5 ओम। इसमें संट जो जोड़ा गया है दिस इज
दिस कंप्लीट सेटअप इज योर एमीटर। तो एमीटर इसको हम लोग बोलेंगे, जो सेटअप में एमीटर और यहाँ पे यानी कि ये जो जोड़ा गया गैल्वेनोमीटर एंड शंट, दिस कंप्लीट सेटअप इज कॉल्ड करंट। तो इसमें जो करंट आ रहा होगा वही एमीटर रीड करेगा, इसीलिए हम लोग शंट वाले में जो पार्ट में जा रहा है उस करंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मेन करंट को रीड करेगा एमीटर, एंड दिस इज व्हाट यू कैन से इज हाफ ओम। तो हाफ ओम यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि इसमें भी करंट जाएगा, नहीं, ये पूरा का पूरा सेटअप जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे एमीटर। और इसमें कितना करंट आएगा, जो बैटरी सप्लाई कर रहा है, बैटरी कितना सप्लाई कर रहा है, हाफ ओम, तो दैट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसीडर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग 17, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ। तो वायर को जब स्ट्रेच करेंगे, अभी हम लोग देखे थे कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, यानी कि आर का वैल्यू इनिशियली जो है वो 4 ओम है। अब इसके रेजिस्टेंस के जो वायर है इसको ओरिजिनल लेंथ के ट्वाइस लेके जा रहे हैं, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के स्क्वायर प्रपोर्शनेट होगा। तो यानी कि ट्वाइस कर रहे हो तो ये 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, इट विल बी 4 टाइम्स द न्यू इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, सो इट विल बी 16 ओम। तो ये हम डायरेक्ट लिखे हैं आपको इस बेसिस पे कि रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा, जब हम लोग स्ट्रेच करेंगे उसके बेसिस पे। बस आपको क्या करना है कि मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास 4 × 10⁻⁸ मीटर दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से अगर हम लोग यहाँ पे जो इनर्जी हमारे पास है ये कितना है, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के पास होगा तो उसका पोटेंशियल अगर हम मान लेते हैं कि वी नॉट होगा, तो व्हाट एनर्जी, इट विल बी ई वी नॉट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें वी नॉट का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दिस इज ई गेट कैंसिल आउट हियर इट इज, सो इट इज 2 वोल्ट। तो ये आपके पास जो है पोटेंशियल आ गया वहां पे, और ये दिया हुआ है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का मतलब एक तरह से लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और लेंथ में जो रिलेशन होता है, वोल्ट पर मीटर हमारा यूनिट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे, इट इज व्हाट वोल्ट पर मीटर वी आर हैविंग, एंड इट इज मीन फ्री पाथ जो यहाँ पे होगा, दैट लैम्डा वैल्यू इट विल बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, 2 डिवाइडेड बाय मीन फ्री पाथ कितना है, 4 × 10⁻⁸ मीटर, एंड दिस इज वोल्ट पर मीटर, ये रिलेशन आएगा। तो इससे इसको कट करेंगे, 1/2 होगा, सो 1/2 यू आर हैविंग, एंड देन 10⁸ ऊपर जाएगा, तो 10⁸ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10⁷ एंड डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज गेटिंग 5 × 10⁷, सो ये यू हैव द ऑप्शन 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से आप जो है इसके रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो था जस्ट फॉर्मूला बेस्ड ही था, इसके बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट किए थे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, जो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है आपको कि इसमें वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंड टू फॉर्म द कंप्लीट सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो इस ओम पर मीटर यानी कि यहाँ पे आपको इट इज नॉट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस, ओम पर मीटर का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो जब भी सर्किल यहाँ बनाया गया होगा, इसका जो रेडियस है यानी कि जो लेंथ होगा पेरीफेरी का, 2 पाई आर होगा, तो दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इट विल बी, टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज 2 पाई आर। तो 2 पाई और रेडियस जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज ये जो है इसका पूरा लेंथ होगा, इसको हैवी पाई होता है, ये लेंथ इसका कंडक्टर, तो π/5 मीटर का है। अब इसमें इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ जो यहाँ पे आपको वायर यूज किया जाएगा, जो पूरे लेंथ की बात करेंगे तो वो इतने लेंथ का है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम पर मीटर। तो दैट मीन्स कि इस ओम पर मीटर को अगर आप इस मीटर से मल्टीप्लाई करोगे लेंथ से, तो
तो व्हाट वी विल गेट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो यहाँ पे 12 एंड इनटू पाई डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज यहाँ पे ओम पर मीटर था और ये मीटर से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी ओम, तो 12 पाई 12 बाय 5 पाई, ये अब रेजिस्टेंस मिलने के बाद आपको पूछा क्या गया है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेटिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी इज व्हाट, 12 बाय 5 पाई यहां हो रहा है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग रेजिस्टेंस। अब जब आप रेजिस्टेंस यहां पे सर्किल बना रहे हो और ए और बी के बीच में हम बात करेंगे, तो अगर इसका पूरा रेजिस्टेंस आर होगा तो ये आर बाय 2 हो जाएगा और होगा क्योंकि ये आइडेंटिकल शेप है आपको, तो इसके लेंथ भी सेम होंगे, तो लेंथ सेम होने के कारण से इसका रेजिस्टेंस सेम होगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बदल नहीं रहा है और मटेरियल नहीं बदल रहा है, तो मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है, तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी रो एल बाय ए, और उसके बेसिस से दोनों का सेम रेजिस्टेंस होगा और दोनों ए बी जो है कनेक्ट है पैरेलल में, तो इसके बेसिस पे जो है आपको पैरेलली कनेक्ट कीजिए, पैरेलली अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से ये जो है आपको ऐसा आ रहा है, ये आर बाय टू और ये आर बाय टू, तो इसके बीच में दो पॉइंट के बीच में जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ए और बी, इसके बीच में हमें आर इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, सॉरी, तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इज आर बाय टू और आर बाय टू, तो पैरेलल में जो रहा है तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं आर बाय टू डिवाइडेड बाय टू हाफ ऑफ द, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो उसका हाफ होता है, तो रेजिस्टेंस अगर ठीक है तो आर बाय टू का थ्री होगा, यहाँ पे टू या थ्री से आगे बात होती है, यानी आर बाय टू का हैविंग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें आ रहा है दैट इज आर बाय फोर, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 5 एंड देन वी हैव पाई, 12 को इसको कट करोगे तो 3 में 5 से कट करेंगे 0.6 आएगा और 5 दैट इज 0.6 व्हाट वी हैविंग इन ऑप्शन ए, इन ऑप्शन ए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, दिस फाइनल रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज 0.6 इनटू पाई ओम, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेट्रिक पॉइंट ए बी। अब हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट 20 क्या है, ए वायर ऑफ द सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेस्ड स्लोली बाय 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम रेस्पेक्टिव, तो जब भी वायर को आप स्ट्रेच करोगे तो इसमें मटेरियल तो सेम रहेगा, मटेरियल इज नॉट गोइंग टू चेंज हियर, तो इसका लेंथ एल है, अब इसको स्ट्रेच कर रहे हैं हम 10% से बढ़ा दे रहे हैं, तो जब हम 10% से बढ़ा देंगे तो इनिशियल लेंथ कितना था एल प्लस 10 डिवाइडेड बाय इट इज 100 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, तो ये 10% से बढ़ जाएगा, तो इसमें एक सिंगल प्लस 10 it is what we are having l dash new length की बात अगर हम करें here it is new length जो होगा यहाँ पे l dash ये हो जाएगा एक जीरो और एक जीरो कट गया तो ये 10+1 it is 11/10 times of l, ये आपका new resistance हो रहा है, तो इसमें अगर हम देखें तो आप देखोगे कि इसका क्योंकि new ये resistance जो होगा it is simply rho l by a format होगा, अब आप stretch कर रहे हैं तो इसमें square के proportionate resistance होगा, तो इसका square अगर हम लोग करते हैं length का square तो इट इज 121 डिवाइडेड बाय 100 एल स्क्वायर, तो ये से इज 1.21 और इसका जो रेजिस्टेंस है उसमें कोई नहीं चेंज होगा, क्योंकि जब आप किसी भी कंडक्टर को अगर आप एक्सटेंड करते हैं यानी कि स्ट्रेच कर रहे हैं तो उससे उसके रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा एल स्क्वायर फॉर्मेट में प्रोपोर्शनेट होगा, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इज ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन वी आर हैविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर व्हेन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ कंप्लीट सर्किल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट विल बी व्हाट, तो रेजिस्टेंस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के बीच में क्या होगा, अगर वायर का लेंथ जो है आपका ये एल है और इसको बेंड कर रहे हैं आप किस फॉर्मेट में बेंड कर रहे हैं, सर्किल के फॉर्मेट में बेंड कर रहे हैं,
तो दैट मींस कि यहाँ पे ये सर्किल के फॉर्मेट में बेंड कर रहे हैं, और जैसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ए और बी डायमेट्रिक पॉइंट है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस रहा होगा इसका क्रॉस सेक्शन हमें दिया गया है, क्रॉस सेक्शन जो इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी है रो, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाय ए, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गिवन हियर। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग कि बेंड करके कंप्लीट सर्किल बना रहे हैं, ये वाला जो है बन रहा है, तो यानी कि जो एल है वो आपका 2 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ से हमें जो रेडियस है इसके टर्म में मिल जाएगा, लेंथ के टर्म में एल बाय 2 पाई, दिस इज द रेडियस ऑफ द वायर जिसमें आपने बिल्ड किया रेडियस। अब हमें इसमें आप देख रहे हो कि जो रेजिस्टेंस इसका वैल्यू है अभी जो पैरेलली बिल्ड किया गया होगा, तो इसका आर बाय टू होगा और इसका भी आर बाय टू होगा, अब इसके बीच में कितना हो जाएगा, तो इसका अगर आर है वैल्यू तो जब हम पैरेलली जोड़ेंगे तो दोनों तो पैरेलली जोड़ा हुआ है, तो इट इज सिंपल क्वेश्चन, आर बाय टू, ऑप्शन ए हो जाएगा, तो इसमें हम लोग एरिया फैक्टर को नहीं भी सोचेंगे तो इस पे चल जाएगा। हम इधर इसलिए ले जा रहे थे क्योंकि हो सकता है एरिया से रिलेट क्या हो, बट इट इज जस्ट सिंपल क्वेश्चन कि आर है, अब दोनों को पैरेलली जोड़ोगे मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट देखोगे तो ये आर बाय टू होगा, ये आर बाय टू होगा, इक्वल लेना होगा आपको क्योंकि इक्वली लेंथ डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट पे होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट गेटिंग चेंज, रो इज नॉट गेटिंग चेंज, तो लेंथ क्या हो रहा है आधा आधा हो रहा है, तो आधा आधा रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, और इसके बेसिस पे आप यहाँ से आर बाय टू और आर बाय टू को पैरेलली जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको आर बाय फोर आ जाएगा, दिस इज व्हाट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये दिया हुआ है कि एन रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ आर ओम, तो जब हम आर ओम सबको रखेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ओम, तो जो आर हमें आएगा ये क्या आएगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एन, ये आएगा हमें, दिस इज वॉट गिवन टू यू इफ दीज रेजिस्टेंसेज वेयर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यही सारे को अगर हम सीरीज में करेंगे तो देन द कम्बिनेशन वुड हैव रेजिस्टेंस इन ओम, तो सीरीज के लिए अगर हम बात करें तो उस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर डैश अगर हम बात करें ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो आप देखो आर बाय एन को अब क्या करना है आपको सीरीज में करना है, तो पहले क्या था एन आर था यहाँ पे एन टाइम्स ऑफ दिस इज आर, दिस तो इन दोनों को रिलेट करो आप, तो इन दोनों को रिलेट कैसे करें, तो आर डैश डिवाइडेड बाय आर अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा आपको आर डैश का वैल्यू है एन आर डिवाइडेड बाय आर बाय एन, तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, दिस इज व्हाट एन स्क्वायर और आर इधर चला जाएगा, दिस इज आर डैश, तो ये निकालना था आर के यहां पे दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द रिजल्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इट इज सेइंग टू यू, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज बी आर इफ इट इज लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल, तो इनिशियल रेजिस्टेंस अगर हम लोग रो एल बाय ए रखते हैं, अब ये आर वन है, अब आर टू जो होगा इसमें रो तो चेंज नहीं कर रहे हैं बट रेजिस्टेंस के लेंथ को क्या कर रहे हैं, इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल्ड, तो लेंथ को भी डबल कर रहे हैं और एरिया को भी डबल कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग द लेंथ डबल एंड एरिया डबल, तो इसे रो एल बाय ए ही आ रहा है, यानी कि जो आर वन आर टू है वो सेम रहेगा, द रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी हाफ, रेजिस्टेंस विल बी हाफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज्ड, रेजिस्टेंस विल बी हाफ रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बोथ रिमेन अनचेंज्ड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इट इज नॉट गोइंग टू चेंज वंस यू आर चेंजिंग द लेंथ एंड द एरिया फैक्टर नो मैटर एट ऑल, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तभी ये चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 24 द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद, तो रेजिस्टिविटी की बात हो रही है ये इंक्रीज कब करता है, जब हम टेम्परेचर को कंडक्टर का इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन लेंथ ये तो नहीं होगा, इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन ये भी नहीं होगा, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, तब जब डिस्चार्ज ट्यूब की बात हो रही है
तो ये जो है आपको नॉन ओमिक होता है। ओमिक जो होगा वो कौन सा होगा, कंडक्टर वाला पार्ट जो होगा वो ओमिक होगा, और डिस्चार्ज ट्यूब की बात करेंगे तो वो नॉन ओमिक होगा, डायोड की बात करेंगे तो वो नॉन ओमिक होगा, उसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। आईवी का जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो उस केस में, ओमिक के केस में आप जानते हैं कि जो ओमिक कंडक्टर होगा उसमें आई और वी के बीच में लीनियर रिलेशन बिल्ड होगा। यहाँ पे जो है ये ऐसा केस नहीं है, दिस इज नॉट दैट केस, हियर इट इज। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी आर हैविंग इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द ग्राफ आई वी इन करेंट एंड वोल्टेज शोन इन फिगर आइडेंटिफाई द पोर्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द निगेटिव रेजिस्टेंस। तो निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप को बढ़ा रहे हो, तो करंट का वैल्यू अगर घट गया तो इसका मतलब है कि वहां पे निगेटिव रेजिस्टेंस होगा। इट इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस जो होगा इट विल बी निगेटिव, रेजिस्टेंस जो होगा इट विल बी निगेटिव। तो ऐसा किसान ऑप्शन में आप देखिए तो डी पार्ट नहीं होगा। सी डी में हम देखते हैं, सी से जब हम डी पे आते हैं तो करंट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वोल्टेज का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये इंक्रीज कर रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करें और करंट डिक्रीज हो, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव रेजिस्टेंस होगा। और अगर हम ए से बी की बात करते हैं तो ए से बी में वोल्टेज बढ़ने पे करंट भी बढ़ रहा है, तो यहाँ भी पॉजिटिव रेजिस्टेंस, यहाँ भी पॉजिटिव, और डी से ई वाले में भी पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। बट सी डी में क्या हो रहा है कि वोल्टेज को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट घट रहा है, तो इट इज हैविंग निगेटिव रेजिस्टेंस। सो इससे ऑप्शन आपका सी डी क्लियर है, वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इज बेस्ड ऑन द फैक्टर जो डायमेंशनल वाइज है। दीज आर द थ्री कॉपर वायर ऑफ द लेंथ क्रॉस सेक्शन एंड एरिया गिवन टू यू। एक वायर जो है उसका लेंथ एल है और एरिया है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर वन है, तो इट इज रो एल बाय ए, ये हो गया। थ्री ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में आपके पास जो है इसमें ये दिया हुआ है कि लेंथ जो है 12 है और एरिया जो है हाफ है, इसका रेजिस्टेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो इट इज रो को हम लोग क्या कर रहे हैं 12 और एरिया को हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इट इज रो एल बाय ए, और ये टू मिल करके यहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा। रो एल बाय ए जो है ये आपका आर वन है, सो दिस यू कैन राइट हियर इट इज 4 R1। तो यानी आर टू और आर वन में 4 का रिलेशन। अब इसमें पूछा क्या है जो विच केस हैव द रेजिस्टेंस मिनिमम। अब तीसरा केस में आप देखोगे कि यहाँ पे 4 R1 आ रहा है और तीसरा केस में एल बाई टू और 2A है, यानी कि इसको आधा कर दे रहे हैं और इसको एरिया को ट्वाइस कर दे रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस R3 होगा, दिस इज व्हाट रो एल के जगह एल बाई टू रखेंगे, एरिया के जगह 2A रखेंगे, रो एल बाय ए और 4 नीचे में है, तो इट इज R1/4। तो जो R1 का वैल्यू है इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो ये R1 पहला का रेजिस्टेंस है, दूसरे का जो है वो 4 R1 रेजिस्टेंस है, और तीसरे का है वो तीसरे का रेजिस्टेंस R1 है। अब आप चेक करके केसेस वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया सही है, तो यहाँ पे बी जो है 2A जिसका एरिया है, 2A किसका एरिया है, सबसे लास्ट वाले का एरिया है, तो उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो आपका सबसे छोटा है, R1/4 हो रहा है, 0.25 जो है R1 के बराबर है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये 4 R1 है, ये R1 है, तो ये फ्रैक्शनल है इसलिए सबसे छोटा हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर हैविंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है किसके बीच में, ए और डी के बीच में, ए कहाँ पे है यहाँ पे, डी कहाँ पे है यहाँ पे, यानी कि जब हम ए और डी के बीच में बैटरी को जोड़ते हैं कहीं से भी, तो आप देखोगे कि इस तरह से अगर आप बैटरी जोड़ देते हो ए और बी डी के बीच में जिसमें हमें निकालना है, तो इसमें सर्किट क्लोज में कौन कौन रेजिस्टेंस भाग ले रहा है जिसके कारण से कि इक्विवेलेंट बनेगा आपका। तो यहाँ से जब करंट बैटरी प्रोवाइड करेगा तो करंट इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा करंट, इसमें आएगा, फिर यहाँ से करंट एक इसमें चला आएगा और एक करंट इसमें जाएगा, इसमें जो जाएगा दो रेजिस्टेंस जो ये वाले रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये बेकार रेजिस्टेंस है और इसको आपको निकालना होगा। इसका कोई मीनिंग नहीं था इस क्वेश्चन में, तो इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे। अब जो करंट ये दोनों जब जैसे ही हट जाएगा तो जो करंट इसमें आ रहा होगा इस 10 में और इस 10 में, ये तो सेम आ जाएगा, तो ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, और ये 10 में भी करंट सेम आ जाएगा, तो ये भी सीरीज हो जाएंगे। यानी कि ए पॉइंट पे अगर हम देखें यहाँ पे ये 10 ओम है और इन दोनों को सीरीज करोगे यहाँ पे, तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है आपका ये 20 ओम हो जाएगा और दूसरा जो है ये भी 20 ओम हो जाएगा। हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो दैट मींस व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एडिंग 110 ओम हियर डी तक पहुंचने के लिए। तो दैट मींस कि यहाँ पे 20 और 20 का अगर हम पैरेलल निकालते हैं तो इट विल बी 10 ओनली, तो 10 ओम 10 ओम और 10 ओम सीरीज में, तो इट विल बी 30 ओम। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 29, तो इफ ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू द थ्रू अ वायर ऑफ द लेंथ 15 मीटर, तो लेंथ दिया हुआ है आपको 15 मीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन टू यू 5 ओम, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन टू यू 6 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -7। इट इज रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस कितना दिया है 5 और रो का वैल्यू हमें निकालना है, लेंथ कितना है 15 मीटर डिवाइडेड बाय 6 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -7। अब यहां से आप देखेंगे 5 से 15 को कट के दी और 3 से 6 कर देंगे 6 हो जाएगा, दिस रेजिस्टिविटी विल बी इट इज 2 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -7 एंड रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होता है, तो इट विल बी ओम मीटर। सो 2 इनटू 10 टू द पावर -7 ऑप्शन बी वी आर हैविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम 50 डिग्री 7 ओम 100 डिग्री देन द मीन टेंपरेचर coefficient of the resistivity will be what? It is asking you temperature coefficient means alpha का value हमें निकालना है। तो direct हम लोग जानते हैं कि RT जो होता है it is R naught and 1 plus alpha delta T। यहाँ पे R naught क्या है? Initial temperature, जो resistance है और delta T क्या है? वो जो है वो change in temperature है और alpha जो है आपका coefficient of जो मीन टेम्परेचर कॉफिशियंट है दैट वी आर लुकिंग फॉर फाइंडिंग अल्फा वैल्यू। आरटी यहां पे इट इज 5 ओम तो 5 ओम आरटी का 7 ओम तो जस्ट प्रॉब्लम इज फिर हम यहां पे निकालेंगे दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इज 5 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 7 ओम और यहां से चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100 और 50 में डिफरेंस कितना है 50, तो इट इज 50। What we are looking for is alpha. Alpha, you can write here, it is RT minus of R naught divided by R naught into delta T. Direct इसको आप use करोगे. Difference between the two resistance, it is 7 ohm and it is 5 ohm. तो इसके बीच में difference है 2 ohm का और initial resistance 5, temperature difference 50. So ये हो जाएगा 25 and it is 1 by 125. Okay. सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप समझिए इसमें कि ऊपर में 1000 अगर हम रख देते हैं और नीचे 125 है, तो 1000 नीचे भी रखना होगा
इससे इसको कट करेंगे तो कितना होगा, एक टेंथ में ये कट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1.08। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कि इफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड द रीकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ एंड द न्यू रेजिस्टेंस विल बी व्हाट। तो इसका इनिशियल लेंथ जो है वो क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है, हाफ हो रहा है। तो रिकास्ट करने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे लेंथ को चेंज करने के लिए बोला गया है। तो लेंथ को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो अगर इनिशियल रेजिस्टेंस आर है तो वो हाफ करने के कारण से रेजिस्टेंस का 4 हो जाएगा, यानी R/4 हो जाएगा। तीसरा जो 32 क्वेश्चन है, टू वायर्स ऑफ द सेम मेटल हैव सेम लेंथ बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन द रेशियो दिस 3:1 एंड दे आर ज्वाइंड इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम, देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी व्हाट। तो इसको आप जो है इसको हम बना सकते हैं किस तरीके से, टू वायर ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल का मतलब है रो सेम रहेगा, हैव सेम लेंथ तो लेंथ को भी सेम ले लिया है, बट देयर क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो, अगर हम इसका रेशियो ए रखेंगे तो इस 3:1 का मतलब है कि इसका रेशियो अगर हम 3A रखेंगे तो दूसरे रेजिस्टेंस का जो होगा इसके कारण से आपको रेजिस्टेंस जो आर होगा इसको हम लोग निकाल लेते हैं और दूसरे का रेशियो क्रॉस करना है तो उसके बेसिस पर हम लोग इसको रखेंगे। क्या होगा यहाँ पे, दिस R1 इज इक्वल टू रो एल बाय 3 times of A। तो ये जो है अब बाद वाले केस में क्या कर रहा है, रो है एल है सेम बट एरिया क्रॉस सेक्शन तो यहाँ पे ये हो जाएगा रो एल बाय ए। तो रो एल बाय ए को अगर हम मान ले कि आर है ये, तो यहाँ पे रो एल बाय ए का क्या है, यहाँ पे 3 है, इसमें R/3 है और ये R ओम है। अब क्या बोल रहा है आपको कि द रेजिस्टेंस ऑफ थीकर वायर इज 10 ओम, थीकर वायर कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो अगर ये इसका थीकर वायर का रेजिस्टेंस जो ये आ रहा है यानी R/3 का वैल्यू हमें 10 ओम दे रखा है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R/3 ओम का ये जो R हमें मिल रहा है ये 30 है, और दूसरा जो है यहाँ से आप देखो कि ये R/3 है, तो यानी कि ये 30 है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो दोनों का जो है एक का वैल्यू है 30 ओम और एक का वैल्यू है यहाँ पे 10 ओम, तो दोनों को सीरीज में जोड़ो तो कितना, यहाँ पे 40 हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग यू। और क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, रेजिस्टर्स और 3 रेजिस्टर्स जो दिया गया है 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लो इस तरह से, 4 ओम ये दिया हुआ है, 4 ओम ये दिया हुआ है और 4 ओम ये दिया हुआ है, एंड इट इज आस्किंग फॉर्म द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स। तो दो टर्मिनल हम अगर यहाँ और यहाँ मान ले, इसके बीच का टर्मिनल का रेजिस्टेंस देखोगे तो जो करंट यहाँ पे आ रहा होगा, एक करंट इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, इसमें जो जाएगा वही करंट इस वाले फोर जाएगा, ए बी जो हो जाएगा दिस इज 8 × 4 / 8 + 4 = 12, सो इट इज 8/3 ओम, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 8/3 ओम। नेक्स्ट वी आर हैविंग 34 वेलोसिटी ऑफ चार्ज जिसमें कि आपको करंट जो है 1 एम्पियर जा रहा है इन मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो चार्ज कैरियर का वेलोसिटी हम लोग किसके बराबर रखेंगे, इट इज जस्ट लाइक वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट हियर। यू हैव अ गिवन सेवरल आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, एक का जो है आपको रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है 10 ओम है, तो ये 10 ओम हो गया, एंड ईच कैपेबल ऑफ कैरिंग ए मैक्सिमम करंट ऑफ 1 एम्पियर, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंस, दीज रेजिस्टेंसेज ऑफ 5 ओम,
which can carry a current of 4 ampere, the minimum number of resistance of the type R will be required for this job. So, इसमें आपको resistance के बारे में पूछा है, तो पहले तो आपको ये दिया गया है कि several identical resistance है जिसका value, यानी कि हमें जो value लगाना है resistance को, ये 10 ohm का है, और ये भी बोल दिया है कि and each capable of carrying a maximum current of 1 ampere, यानी कि इसमें भी जो capable करंट है मैक्सिमम इसमें वो 1 एम्पियर का है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपको वो क्या हो जाएगा, 10 × 1 दैट इज 10 वोल्ट, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है मैक्सिमम करंट इतना है और उसके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये 10 वोल्ट हो जाएगा। अब तो 4 एम्पियर करंट को वो कैरी कर सके और इसका इक्विवेलेंट 5 ओम वो, तो इसमें आपको पूछा गया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ टाइप आर दैट कैन बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, तो उसके लिए 4 एम्पियर करंट चाहिए, तो यानी कि आई अगर हमें दे दिया है 4 एम्पियर तो इट विल बी, इसको किस तरह से अभी आप करेक्ट करेक्ट करो, जो वी इक्विवेलेंट होगा डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट दैट इज व्हाट वी हैव द आई वैल्यू, तो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस का जो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है वो 10 वोल्ट है जो इसमें कंबाइंड हो रहा है, हमें करंट 4 एम्पियर चाहिए, यानी कि वी कितने आर इक्विवेलेंट यहाँ पे हमें मिल जाएंगे अगर हम इस 4 वोल्ट 10 वोल्ट वाले को यूज करते हैं, तो इट इज आर इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं आपको, तो इट इज 2.5 आउट रेजिस्टेंस, तो अगर हम 10 ओम वाले को 4 टाइम्स पैरेलल में जोड़ देते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट 10/4 होगा दैट इज 2.5 ओम हो जाएगा, तो दैट मींस कि इसमें 4 रेजिस्टेंस को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो इसके बेसिस पे हमें 4 एम्पीयर करंट मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो है 10 हो जाएगा और इससे आर इक्विवेलेंट 2.5 आ जाएगा, और 2.5 और इसमें अगर आप डिवाइड करोगे 10 में 2.5 तो 4 एम्पीयर करंट जाएगा, तो और इसमें लेकिन बोला क्या है 5 ओम होना चाहिए यहाँ पे, जो इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमें 5 ओम चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 को जब हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो उससे हमें जो है 2.5 आ रहा है, यानी कि 4 को आप पैरेलल में जोड़ लो फिर 4 ओम नहीं होगा, 4 इसमें ये करके फिर क्या करेंगे 4 को पैरेलल में जोड़ देंगे इस तरह से, तो क्या होगा इसका 2.5 हो जाएगा ओम और दोनों को करेंगे जिस दो पॉइंट के बीच में तो उसके बीच में 5 ओम और करंट आपको जो फाइनल करंट जा रहा है वो 4 ही जा रहा है, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है और इसका जो आ रहा है वो 5 आ रहा है हमें, तो 5 इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये 10 वोल्ट है और इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये 10 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो यानी कि 20 वोल्ट हो जाएगा, दैट मींस कि यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट हमें आएगा वो हो जाएगा इट विल बी 8, क्योंकि हमें 5 ओम चाहिए तो 5 ओम हर का 10 वोल्ट ही हो सकता है, तो यहाँ पे उसके बेसिस पे ये बिल्ड किया गया कि एक का 10 वोल्ट रखेंगे तो इसके बेसिस पे हमें जब 4 एम्पियर करंट जा रहा होगा तो 4 एम्पियर के बेसिस पे एक का जो है 2.5 आ जाएगा, दूसरे का भी ऐसा ही कर देंगे और ऐसे 4 और ऐसे 4 करेंगे तो इन दो पॉइंट के जो हम लोग जोड़ रहे हैं वो एट हो रहे हैं, इससे हमारा काम बन जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली आस्किंग। अब जो नेक्स्ट इसमें आप क्या करोगे कि इस तरह से डायग्राम में ऐसा होगा, ऐसा है
क्योंकि डायग्राम में यहाँ पे क्यों नहीं टच करेगा वो हम आपको बता रहे हैं। दिस इज व्हाट ड्यू टू, यानी कि सिमेट्रिक डायग्राम, सिमेट्री से हम लिख सकते हैं इसको कि जो करंट आपका यहाँ पे जो करंट आ रहा है यहाँ से सिमेट्री से, वही करंट यहाँ से निकल रहा होगा, यहाँ से जो आ रहा है। दिस इज व्हाट इट इज, करंट पासिंग लाइक दिस ओनली। सो इस वाले पार्ट में जो करंट जा रहा है और जो इसमें करंट आ रहा है ये बीच में आपको दिखाया, उसमें करंट जो है जो जा रहा होगा वो सेम करंट जा रहा होगा, ये तब होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सारे के सारे रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन। तो अगर ये वन है तो ये वन ओम है, ये वन ओम है, ये भी वन ओम है, ये वन ओम हो गया, यहाँ वन ओम हो गया, ये वन ओम और ये वन ओम। अब आप देखो कि ये जो वन है और ये जो वन है ये तो सीरीज में है, यानी टू और वन पैरेलल में होगा। तो टू और वन को अगर पैरेलल में करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। उसके बाद वन और कि एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, फिर दूसरा जो है वो 2/3 का है, दिस इज 1 ओम, फिर यहाँ पे 1 ओम है, और फिर यहाँ से 1 और 1 2 है, यानी कि इसके बीच में हम 2 लगा देते। अब इधर ए पॉइंट है और इधर बी पॉइंट है, इन दोनों बीच में तो ये हो जाएगा 6+2 8/3, यानी कि इन सारे रेजिस्टेंस को हटा करके 8/3 को 2 से पैरेलल कर दें तो ए और बी के बीच में आ जाएगा, यानी 8/3 × 2 / 8/3 + 2, दिस इज योर आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो और इसके बेसिस पे 3 कट जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो जो क्वेश्चन आज डिस्कस इसमें किया गया है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन थे। ये टॉपिक 1 था जिसमें टोटल क्वेश्चन हमने लगभग देख लिया है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन इक्वल रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे आर को तो इट इज आर इंटू एन होगा, दिस इज योर आप करोगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में जो है ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि सारे के सारे जो है पैरेलल में इक्वल को कनेक्ट किया गया। अब यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम, मैक्सिमम तो ये हो रहा है तो यानी कि आर एस डिवाइडेड बाय आर पी क्या होगा, मैक्सिमम सो एन स्क्वायर जो है वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। यहां से ये आर और ये आर कट जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मासेस ऑफ द 3 वायर ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो 1:3:5 एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो 5:3:1, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज व्हाट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको मास के बेसिस पे दिया गया है, मास को किस तरह से करेंगे। तो मास जो है डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी व्हाट यू कैन से इज मास वॉल्यूम, इस रेशियो से लोग डेंसिटी और वॉल्यूम को कोरिलेट करेंगे सॉरी और लेंथ को कोरिलेट करेंगे, और इसके बेसिस पे हम लोग इसको फिर रेजिस्टेंस से फाइनली कोरिलेट करेंगे। तो दैट मीन्स की जो रेजिस्टेंस को कोरिलेट करना है उसको हम लोग कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑफ विद द मास वैल्यू एंड द दिस लेंथ वैल्यू, मास का जो रेशियो दिया गया है और लेंथ को कैसे।
के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास। तो यहाँ से हमें जो है मास को अगर लिखना होगा तो वी कैन राइट इट इज वॉल्यूम टाइम्स ऑफ डेंसिटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम टाइम्स ऑफ डेंसिटी। तो इस केस में आपको जो दिया गया है कि 3 वायर्स ऑफ कॉपर, कॉपर जो है ये फिक्स्ड है, कॉपर फिक्स होने से रो फिक्स हो जाएगा, रो इज द रेजिस्टिविटी। लेकिन मास जो है M1 का, अगर हम मानते हैं मास M है, तो दूसरा जो वायर है उसका मास हो जाएगा 3M, और तीसरा जो वायर है इसका मास हो जाएगा 5M। और इसी के करस्पॉन्डिंग आपको उनका लेंथ का रेशियो दिया हुआ है कि L1 का जो लेंथ होगा इट इज 5L, और L2 का जो लेंथ होगा इट इज 3L, और L3 का जो लेंथ होगा इट इज, ये रेशियो में दिया गया है। हम लिखते हैं तो वॉल्यूम इज नॉर्मली इट इज एरिया, लेंथ होता है उसको वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, डेंसिटी डी मान लेते हैं। तो दैट मींस कि अगर हमें यहाँ जो मास है एम, इसको अगर हम एरिया से कोरिलेट करें तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इस वाले का A1 जो होगा, दिस इज व्हाट इट इज, जो मास है M1 डिवाइडेड बाय जो इसका लेंथ होगा L1, और जो इसके पास जो है डेंसिटी है, डेंसिटी को कॉपर है तो डेंसिटी कांस्टेंट 1 यहाँ यूज होगा, और इसको हम लोग डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब M1 का जो है मास वैल्यू कितना है हमारे पास, ये M है, और L1 का मास लेंथ कितना है, 5L है, और इनटू डी है। तो ये जो है एरिया हो गया आपको A1 M बाय डी। A2 के लिए हमें इसी तरीके से लिखना है कि जो M2 वैल्यू है, M2 कितना है, 3M है, तो इट इज M2 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 एंड डी। अब M2 का वैल्यू कितना है, 3M डिवाइडेड बाय लेंथ 2 कितना है, 3L एंड इनटू डी। तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, तो यानी कि आपका जो ये वाला पार्ट है एम बाय एल इंटू डी, अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये हो जाए आपका A/5, यानी कि A1 जो है ये हमें मिल रहा है A/5, और फिर A2 जो है ये एम बाय एल डी, ये हो जा रहा है, ठीक है, ये वैल्यू ए जो है। और जो तीसरा है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A3, इट इज इसके लिए जो है मास M3 डिवाइडेड बाय L3 टाइम्स ऑफ डी। M3 कैसे लिखे, तो M3 के लिए 5M दिया है, तो इट इज 5M डिवाइडेड बाय इसका लेंथ कितना है, L है, और इसका D जो है ये, तो दैट मीन्स कि एम बाय एल इंटू डी इसको ए माने हुए हैं, तो इट इज 5 टाइम्स ऑफ ए। यानी कि एरिया के लिए हम अगर इसको यूज करें तो फर्स्ट एरिया जो होगा ये हो जाएगा आपको इट इज A/5 जो वैल्यू दिया गया उसके बेसिस पे, सेकेंड एरिया जो होगा इट इज 5W। तो एरिया हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हम लोग जब रेजिस्टेंस को रिलेट करेंगे तो उसमें हमें रेजिस्टेंस को रिलेट करने के लिए एरिया चाहिए, और एरिया को कैसे निकालते, तो ये जो रिलेशन मास और लेंथ का दिया हुआ था उसके बेसिस पे हम लोग इस एरिया के रिलेशन को निकाले। अब जो हमारे पास है रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है कि R1 R2 R3 का रेशियो क्या होगा, दैट इज द फाइनल जॉब इन दिस क्वेश्चन। तो R1 अगर हमें लिखना है तो इट इज रो कॉपर के लिए सेम होगा सारे वायर के लिए, फिर इसका L1 एंड डिवाइड बाय इसका A1। तो L1 के लिए हम देख रहे हैं कि 5L है, सो इट इज रो 5L डिवाइडेड बाय A1 के लिए हम लोग देख रहे हैं A/5 है, तो A/5, तो ये 5 और 5 ऊपर चला जाएगा, सो इट इज 25। अब रो एल बाय ए को हम लोग मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है R है, रो एल बाय ए को हम मान लें इसका जो है, तो R1 आपका कितना हो रहा है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इज 25 टाइम्स ऑफ R वैल्यू। अगर हम R2 की बात करें तो इट इज रो L2
डिवाइड ये चीज मिला है दूसरे तो हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस आर2 इज दिस इज व्हाट यू कैन फाइंड आउट यहाँ पे तो रो L2 की जगह पे हम लोग यूज करेंगे 3L और A2 की जगह यूज करेंगे A तो इट इज 3 टाइम्स ऑफ व्हाट वी आर हैविंग इज R और जो R3 का वैल्यू है दिस इज रो इसका जो लेंथ है ये L है आपको और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये 5A है सो दिस इज रो एल बाय तो ये हो जाएगा R/5 तो यानी कि रेजिस्टेंस का रेशियो अगर आप देखो यहाँ पे तो R1 इज R2 तो है यहाँ में है तो पहला रेजिस्टेंस है 25 दूसरा है तीसरा है आधा 5 तो पहला है 25 टाइम्स R दूसरा है R तीसरा है R5 तो उसी बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस को हमें फाइनली जो है ये करना होगा ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सब में 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो दिस व्हाट वी कैन से इट इज 125 R देन हियर वी हैव 15 R देन वी हैव R तो यानी 125 15 एंड जो आ रहा है लास्ट में आर आ रहा है तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 125 और फिर 15 और 1 है ऑप्शन डी वी आर हैविंग सो ऑप्शन डी इज करेक्ट रिजल्ट इट इज सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे इज द क्वेश्चन व्हिच इज कनेक्ट ओनली बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ एंड द रेजिस्टेंस ऑल द क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन प्रीवियसली तो इसको आप जो है अच्छे से रिवाइज कर लेना काफी वैल्यूबल क्वेश्चंस होंगे 2024 के बच्चे के लिए इसका सेकेंड टॉपिक वीडियो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय